सभी को जी यीशु। 26 मई के दिन कैथोलिक कलीसिया संत फिलिप नेरी का त्यौहार मनाती है। फिलिप नेरी का जन्म 1515 में फ्लोरेंस इटली में हुआ था। यह दयालु हंसमुख संत 16वीं शताब्दी के रोम के प्रेरित थे। एक युवा के रूप में फिलिप नेरी अक्सर रोम के 7 प्रमुख गिरजाघरों का दौरा करते थे। उन्होंने कई रातें शहीदों की कब्रों के पास स्वर्गीय चीजों पर ध्यान करते हुए बिताई। पूजा पाठ उनकी प्रेरित भावना का स्रोत था। उन्हें 1551 में पुरोहिताभिषेक दिया गया था। फिलिप नेरी युवाओं से प्यार करता था और उन्होंने उनके आसपास भीड़ लगाकर प्रतिसाद दिया। एक पाप स्वीकार अनुष्ठाता के रूप में वह बहुत मांग में था। उनके पास पाप स्वीकार करने आने वालों में संत इग्नासियुस भी थे। अपने जीवन के काम को बनाए रखने के लिए संत फिलिप ने धार्मिक प्रतिज्ञाओं के बिना धर्मनिरपेक्ष याचकों के समाज उपासना गृह की मंडली की स्थापना की। उनकी नींव का उद्देश्य सामाजिक समारोहों के माध्यम से विश्वासियों के बीच पवित्रता को जगाना था, जो न केवल मनोरंजन बल्कि धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करता था। आनंद और उल्लास उनके सामान्य स्वभाव का इतना अधिक हिस्सा थे कि लोग उन्हें बहुत सम्मान देते हुए विनोदी संत कहा। रोम में रहते हुए उन्होंने दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और युवा लड़कों को पढ़ाया। अतः फिलिप सीखने में उब गया, इसलिए उन्होंने अपनी सारी किताबें बेच दी, उनसे प्राप्त धन को गरीबों को दे दिया और अगस्तीनियों के मार्गदर्शन में बीमारों को देखने जाने लगे। उन्होंने अति पवित्र तत्व के कन्फ्रेटर्निटी की स्थापना की और प्रचार करना शुरू किया, और कई लोगों ने फिलिप के उद्देश्य और उदाहरण के चलते मन फिराव किया। 27 मई 1595 को उनकी मृत्यु हो गई और 1622 में संत पिता ग्रिगरी 15वें द्वारा उन्हें संत घोषित किया गया। वे रोम और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के संरक्षक हैं। आइए हम संत की मध्यस्थता द्वारा प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद।